हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार सिद्धू। तो अभी अभी एक ट्रेलर आया है जिसका कमेंट आप लोग कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही सर्च वगैरह किया, देखो क्या है। तो देखा मैं संदीप रेड्डी वांगा उस ट्रेलर लॉन्च पे खड़े थे, तो मैं सोचा कि भाई फिर से एनिमल को डिफेंड करने पहुंच गया क्या। मतलब कि यार आदमी एक फिल्म बनाता है और 40 इंटरव्यू देता है, काम धंधा नहीं है ना कुछ। काम धंधा तो अपने पास भी नहीं है, लेकिन अपन इंटरव्यू नहीं देते कहीं घूम घूम के, समझा। तो आज जो ट्रेलर आया है गामी करके, अब देखो भाई ये पैन इंडिया नहीं है, लेकिन आप लोग ने कमेंट किया तो मैं सोचा चलो यार देख लेता हूँ क्या है, आओ देखते। నేనెవరో అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నాకు ఈ సమస్య ఎప్పటి నుంచి ఉందో, ఎంత ప్రయత్నించినా గుర్తురావట్లేదు. ఇక మా మేలు కోసం నవీ ఆశ్రమం వదిలిపెట్టిపోవాలి. తనకున్న సమస్యతో అసలు ఎక్కడికి వెళ్తాడు, ఎలా వెతుకుతాడు? బీమారీ హై और ये है आगोरी। ये कोई साइंस का 14 है जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है। హిమాలయ శ్రేణిలో ఉండే ద్రోణగిరి అనే పర్వతం మీద ప్రతి 36 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి వచ్చే వైద్రతి దినాడు స్వయం ప్రకాశితమైన మాలిపత్రాలు వికసిస్తాయి. అవి మనిషి స్పర్శతో నీకున్న సమస్యను కూడా తీర్చగలవు. ఒకవేళ ఈ పక్షం దాటితే ఇంకో 36 సంవత్సరాల వరకు ఆగాలి. నువ్వు త్వరగా హిమాలయాలకు బయలుదేరా. త్రివేణి చేరుకునే రూట్ నాకు తెలుసు. ఊరంతా చల్లగా ఉండాలంటే దేవదాసిని ఎలా తిరిగి తీసుకురావాలో చూడు. నన్ను ఇంకెప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళకమ్మా. ఐస్ హస్ బికమ్ డేంజరస్లీ థిన్ అప్ దేర్. ఆప్కి జాన్కు ఖతరా హో సక్తా హై. ఠీక్ హై ఠీక్ హై. समय आ गया है पापियों को ठीक करने का. ये सब्जेक्ट नीता वाला ला का दो. ये विषय गुड़ला दिलीप मुंदे आ यम्मी ही रहस्य काली गुड़ दे पावला. मेरा भाई समझ गया ट्रेलर. बाढ़ लगा या लग नो बाधन मस्त ना हो. इट्स गोइंग टू बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी. कैच कर लो. ओह माय गॉड, वेरी लॉन्ग ट्रेलर, बट यू गाइज डोंट नो अबाउट मी. आई एम जीनियस. मतलब मैं समझ गया हूँ, काफी हद तक मैं इस ट्रेलर को समझ गया हूँ. जैसे कि वो जो हीरो है वो एक आश्रम में रहता है आगोरियों के साथ, जहाँ पर उन लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो शायद हम सबको भी हो सकता है, तो उसको उस आश्रम से निकाल के फेंक देते. मतलब बोलते कि भाई तू चले जाए यहाँ पर, यहाँ से. तो वो बेचारा थका आ रहा, सोचता है कि करूँ तो करूँ क्या, और ये जो बीमारी मेरे अंदर है वो मैं कैसे ठीक करूँ. मतलब वो इतना फर्स्ट्रेट हो जाता है कि वो कैसे कैसे हर जगह घूमता रहता है, जो बड़े बड़े मंदिर रहती है वहाँ वहाँ पर जाता रहता है, तो वो ढूंढता है पर उसे मिलता नहीं है. तो एक मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में ऐसा चीज़ लिखा गया है कि हिमालय के ऊपर एक विद्रा तिथि करके रहता है, जो वो 36 साल में एक बार आता है.
तो अगर तुम वहां पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम जो भी है वो चले जाएगी, लेकिन अगर तुम नहीं छू पाते हो तो तुमको 36 साल वापस से वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब ये बंदा यहाँ से निकलता है वहाँ पर पहुँचने के लिए, तो वहीं पर मैंने एक और चीज़ देखा है कि जो साइंटिस्ट वगैरह है वो लोग भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, शायद उसी बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और उन लोगों ने काफ़ी लोग को बंद करके भी रखा है। देखा रहेगा वो जेल वाला सीन कैद करके, तो वो बोलता है ना कि समय आ गया है पापियों को ठीक करने का। सब पता चलता है कि सेम काइंड ऑफ डिजीज यहाँ पर भी है, जहाँ पर साइंटिस्ट लोग मेहनत कर रहे हैं कि भाई हम इनको कैसे ठीक कर पाएंगे, तो वहाँ पर अपने को दिखता है कि वो चूहे वगैरह पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बंदा हिमालय पहुँचने की कोशिश करता है उसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने सारे स्ट्रगल्स आते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचना भी इम्पॉसिबल रहता है, जो अपने को ट्रेलर में नज़र आता है कि फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। और एक छोटी सी लड़की का बच्चे का भी एक सीन दिखाता है जहां पर वो गांव वाले बोलते हैं कि भाई उसको ढूंढ के मार दो, क्योंकि उसके पास भी उसी चीज का सीक्रेट है जो शायद उसको वरदान के तौर पे मिला हो बच्चे को, इसलिए गांव वाले उसको मारने के पीछे तो वो लाश में वो भगा के लेके जाते हैं। भगा के लेके जाते हैं। तो अपने को ये फिल्म देखना इतना जरूरी क्यों है मालूम है? क्योंकि एक तो इसके यार विजुअल्स क्या ही लेवल पे शूट किया है, मतलब लगा ही नहीं कि ये इंडियन फिल्म मेकिंग है। और तेलुगु वाले भाई, जहाँ बॉलीवुड वाले थोड़ा एक स्टेप साउथ को फॉलो करते हैं, वो साले और ऊपर चले जाते हैं। करे तो करे क्या हम लोग, मतलब कि यार अब बचा ही नहीं कुछ। लेकिन यहाँ पर देखने को मज़ा आता है, क्योंकि यार देखो यार आज का जो जनरेशन है वो स्पिरिचुअल फिर ये सारे चीज़ों में ना कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गया, तो इस चीज़ को तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा। तो ट्रेलर तो भाई लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बस एक ही डिसअपॉइंट चीज़ मुझे इस ट्रेलर का लगा, वो था ये कि पैन इंडियन ही है ना। हाँ बस ये दिल की बात तूने छू ली, मतलब कि यार वहाँ खड़े हो कि क्या कर रहे हो आप, यार नंगा कर रहे हो यहाँ पर ऑडियंस को, दिखाओ यार हिंदी वगैरह में यार, इतना माल छाप लिया थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर पर खर्चा करो। नहीं करना है, सब लेके जाएंगे ऊपर सब। हाँ तो यार अगर आपको भी हमारा ट्रेलर रिएक्शन रिव्यू पसंद आ रहेगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहेगा, क्योंकि यार जिस हद तक मैंने सोचा है उसी हद तक फिल्म होगा, क्योंकि ट्रेलर में काफी सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। अभी 8 मार्च को ही आने वाले हैं। हाँ तो देखेंगे यार जब फिल्म आएगा तो थिएटर में लगा तो देख लेंगे जरूर। ठीक है देख लेंगे यार, मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर बाय।